मेरे बहुत ही सत्कारयोग श्री अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली, उन्हां दे नाल आए हुए राघव चड्ढा जी, साडे सूबे दे प्रधान भगवंत मान जी और साडे MLA दिल्ली तो जो प्रभारी ने पंजाब के सरदार जरनैल सिंह जी, साडे लीडर ऑफ अपोजिशन चीमा जी, सारे MLA साहबान, आम आदमी पार्टी के सारे अहुदेदार साहबान, कुंवर विजय प्रताप सिंह जी, मेरे सारे आए हुए प्रेस वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते प्रिंट मीडिया दे साथियों, इलाके तो आए हुए जां पंजाब तो आए हुए, केजरीवाल साहब नू प्यार करन वाले सारे ही साथियों, सिक्योरिटी वाले सारे सज्जन, मैं सब तो पहला फतेह बुलाना, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सब तो पहला केजरीवाल साहब का दिलों धन्यवाद करदा कि आज जो मेरे गृह विखे आए ने, उन्होंने आन के मेरा माण वधाया। मैं कोई स्पीच नहीं करनी, केवल तुहानू सारयां नू जी आया कहना, कोई भाषण नहीं करना, इन्हां दा धन्नवाद करना इस करके कि पिछले 7-8 महीने तो मेरी सेहत ठीक नहीं सी, मैं अपने घर विच करीब बैड ते सां। अज इन्होंने मैनू आन के हौसला दिता है, मेरी खबर लैन वास्ते आए आ, जदों के मैं सच्चे दिल ना कह सकना कि अज तक मेरा इन्हां ते कोई एहसान नहीं, मेरी वक्री पार्टी सी, इन्हां दी वक्री पार्टी सी, लेकिन एक ओ इंसान जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर होवे, इस देश का भविख होवे, वह बिना किसी गल दे एक साधारण जे व्यक्ति की खबर लैन वास्ते उहदे घर पहुँचे, मैं समझना इहदे नालों महान बंदा और कोई नहीं। लोकी मैनू कहणगे कि तीन पीढ़ियाँ मेरे फादर साहब स्वर्गीय जथेदार उजागर सिंह जी सेखवां जेड़े फाउंडर ने अकाली दल दे पंजाब विच, प्रेजिडेंट रहे ने अकाली दल दे, MLA रहे ने इस हल्के तो दो वारी, मेरी सारी जिंदगी, मेरा बेटा, असी तीन पीढ़ियाँ समर्पित रहे अकाली दल नूं। लेकिन तिना पीढ़ियां दी सेवा होने के बावजूद भी एक भी साडा श्रोमणी अकाली दल का साथी मेरी खबर लैन वास्ते मेरे घर नहीं आया, और किसी ने मेरा हाल चाल नहीं पूछा कि तू जिंदा है कि मर गया है। लेकिन जिस बंदे ते मेरा कोई एहसान नहीं, एडी वड्डी पर्सनैलिटी होवे इंडिया दी, बिना किसे लालच दे
वो इंसान मेरी खबर लैन वास्ते आवे, मैं समझना उहदे नालों महान दुनिया ते इंसान कोई नहीं। और मैं अज ऐलान करना अपनी आत्मा तो अपने दिल तो कि मेरे रहिंदे सवास केजरी साहब, केजरीवाल साहब, तुहाडे समर्पित, मैं तुहानू समर्पित हाँ। अज तो मैं तुहाडा जो हुक्म होएगा मैं जिन्ने जोगा उहदे वास्ते यतन करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं बेनती करूँगा, क्योंकि स्पीचां दा साडा प्रोग्राम कोई नहीं, मेरी खबर लैण आए सी, असी कोई स्टेज नहीं लाई, कोई इकट्ठ नहीं किया। मैं केजरीवाल साहब नूं बेनती करांगा, बाकी सारयां को माफ़ी चाहना। सारे बड़े स्याणे ने, बड़े अच्छे बुलारे ने, लेकिन निम्रता साहब बेनती है कि केजरीवाल साहब हुण अपनी गल जिहड़ी आ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, सेवा सिंह सेखवा जी और उनका पूरा परिवार, उन्होंने पंजाब के लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो राजनीति में नया हूँ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनका, उनके फादर साहब का, उनके परिवार का पंजाब की राजनीति में कितना बड़ा योगदान रहा है और पंजाब के विकास के अंदर कितना बड़ा योगदान रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो आज उनकी हालचाल पूछने के लिए मैं उनके घर आया हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको जल्दी ठीक करें, उनको लंबी आयु बख्शें और ज़िंदगी में वो जो भी करें उनको पूरी सफलता बख्शे ऊपर वाला। मुझे बेहद खुशी है कि आज उन्होंने, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमें अपना बच्चा समझ के अपना आशीर्वाद दिया और आज हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। हम पूरे दिल से सब लोग हम उनका अपने परिवार में स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें बताते रहें कि हमें कैसे क्या क्या काम करना है। और जो मिशन हम लोग लेके चले हैं, हमारा मिशन है, जैसे दिल्ली के अंदर हम लोगों ने, हमारी नई नई पार्टी है, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हम नए नए लोग हैं, हम राजनीति में आए हैं देश का सुधार करने के लिए, समाज का सुधार करने के लिए। जैसे दिल्ली में हमने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए, अच्छी सड़कें बनाई, बिजली फ्री करी, पानी अच्छा करा, हमारा मिशन है कि हम ऐसा पंजाब बनाएं, पंजाब जो कि एक समय में देश का नंबर वन सूबा होता था, हम एक ऐसा पंजाब बनाएं जहाँ पे अमन चैन हो, सुख शांति हो, सबका विकास हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके परिवार को अच्छा इलाज मिले, सबको बिजली अच्छी मिले, सबको, किसानों को, मजदूरों को, सबको न्याय मिले, सबका विकास हो। इस मिशन को लेके हम लोग चले हैं और हम समझते हैं कि आज सेवा सिंह सेखवा जी हमारे परिवार में जो शामिल हुए हैं, हमारे इस मिशन को बहुत तेज़ी मिलेगी,
बहुत बल मिलेगा और मिलके हम लोग पंजाब को अच्छा बनाएंगे। उस पे तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं बस एक दो चीज़ ये कहना चाहता हूँ। एक तो अभी एक दो दिन पहले मैंने कुछ बयान सुने थे कश्मीर को लेके, देश को लेके। मेरा ये मानना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, हमको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। इस तरह के बयान सही नहीं है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे अगर कोई भी बयान दिया जाता है तो बहुत सोच समझ के और जिम्मेदारी के साथ दिया जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इन चीज़ों के ऊपर हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम एक ऐसा पंजाब बनाना चाहते हैं जहाँ पे अमन चैन हो, सुख शांति हो, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, सबका विकास हो। मैं सारे मीडिया नूं एक बेनती करदा, अज मेरी खबर लैण आया, मैं कोई पोलिटिकल गल नहीं करनी, असीं रोज़ इत्थे रहना आ। अगली किसी भी मीटिंग दे विच असीं सारियां गल्लां करांगे, लेकिन अज बस मैं इन्हां सारिआं दा धन्नवाद, तुहाडा धन्नवाद। होर कोई आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।